पुलिस कर्मचारियों का 8 जनवरी को केंद्र सरकार के खिलाफ एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल। आयुध निर्माणी अम्बाजरी में ऑर्डनेंस एम्प्लॉयज यूनियन ऑर्डनेंस फैक्ट्री कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ दिनांक 8/1/2020 को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का निर्णय लिया है। इस हड़ताल को लोकशाही कामकाज संगठना का समर्थन है। खास बात है कि भाजपा विचारधारा वाली भारतीय प्रतिष्ठा मजदूर संघ ने इस प्रस्तावित हड़ताल का विरोध न करने के निर्णय का लिखित पत्र हड़ताली संगठन को दिया है। केंद्र की भाजपा सरकार के मजदूर नीति से कामगारों में आक्रोश है। हड़ताली मजदूर संगठनों अनुसार अंशदान पेंशन योजना रद्द करे, श्रम कानून में संशोधन नुकसानदायक होने से मंजूर न करे, कामगार विरोधी काम के घंटे 8 को बढ़ाकर 9 करने का निर्णय रद्द करे, रक्षा उद्योगों का निगमीकरण निजीकरण करने का निर्णय रद्द करे, नॉन कोर उत्पादन के नाम पर आयुध निर्माणियों से छीने गए 270 उत्पादों को वापस करे, सभी रिक्त पदों को भरा जाए, नौकरी भर्ती में ट्रेड अप्रेंटिस को 60% आरक्षण जारी करे, अनुकंपा आधार पर 100% नौकरियां मान्य करे, ठेका कर्मचारियों को नियमित सरकारी नियुक्ति में अग्रमक दे इत्यादि मांगों के लिए इस हड़ताल का आयोजन किया गया है। हड़ताल को सफल करने का आह्वान लाल झंडा के JCM सदस्य बीबी मजुमदार, अध्यक्ष गिरीश खाड़े, महासचिव विनोद कुमार, आशीष पासघरे, विनोद रामटे की, देवा शिरसागर, दीपक गावंडे, रिजवान अंसारी, अवनीश मिश्रा, इंटक यूनियन के अध्यक्ष सुभाष पडोले, संयुक्त सचिव प्रवीण महल्ले, अरविंद सिंह, चेतन चौहान, अंजुम भाई त्रिपाठी, लोकशाही कामगार संगठन के अध्यक्ष जगदीश कस्बे, महासचिव वेद प्रकाश सिंह, सुदर्शन मिश्रा, अविनाश रंगारी, सतीश बागड़े, अरुण नागदेवे आदि ने किया है। INBCN न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।